नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा हॉरर फिल्मों की सुपरस्टार श्री प्रभा, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हॉरर फिल्म की बात की जाए और श्री प्रभा का नाम ना आए ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी भी हॉरर फिल्में बनी है उसमें ज्यादातर फिल्मों में श्री प्रभा ने काम किया है और वो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। श्री प्रभा का असली नाम ईशा नायडू था। दोस्तों, इन्हें ये नाम कैसे मिला इसके भी एक रोचक किस्सा है। श्री प्रभा ने 1980 और 1990 के दशक में ज्यादातर बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया। श्री प्रभा का असली नाम ईशा नायडू था। उनकी पहली फिल्म दिलरुबा टांगे वाली के निर्माता मोहन टी ज्ञानी ने उन्हें ये नाम दिया था। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी श्रीदेवी और जयप्रदा। इनके नाम के प्रथम अक्षर को लेकर उन्होंने ईशा का नया नाम रखा श्री प्रदा। श्री प्रदा ने कई सारे टेली शो किए हैं। इन्होंने धर्मेंद्र, स्वर्गीय विनोद खन्ना इनके साथ फिल्म बंटवारा में काम किया। इसके अलावा इन्होंने करीब 70 फिल्मों में बतौर हीरोइन आई। दोस्तों, ईशा नायडू का जन्म 1967 को हुआ था भारत में। ये विवाहित थी और इनका एक बेटा भी है। श्री प्रभा की पहली फिल्म दिलरुबा टांगे वाली के निर्माता मोहन टी गिलानी ने उस दौर की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी और जयप्रदा के नामों में से श्री और प्रदा देकर ईशा नायडू का नाम श्री प्रदा रखा था। हॉरर फिल्मों की सुपरस्टार रही श्री प्रदा ने कई बड़े हीरो लोगों के साथ काम किया, जैसे कि इन्होंने जावेद खान के साथ काम किया और बहुत सारे सुपरस्टार लोग के साथ काम किया जो कि उस जमाने में हॉरर पिक्चरों के सुपरस्टार हुआ करते थे। इनकी मशहूर फिल्म शैतानी इलाका, जिसमें बहुत सारे कलाकार मौजूद थे और इसमें इन्होंने अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। 80 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाली और बाद में कई सीरियलों में नजर आने वाली अभिनेत्री श्री प्रदा ने कई सारे सीरियलों में काम किया। उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया। उनके साथी कलाकार गजेंद्र चौहान ने श्री प्रदा के बारे में बताया था कि 1992 में संसार और कुछ साल पहले अधूरी हमारी कहानी जैसे सीरियल में भी उन्होंने काम किया और अपने हर काम को वो बहुत शिद्दत के साथ किया करती थी। दोस्तों, श्री प्रधान ने अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाली सिन्हा स्टारर फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के लिए शूटिंग की। इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम शोला और तूफान 1993 में है, इसमें ये मेन हीरोइन थी। फिर वही आवाज 1998, खूनी महल 1998, गंगा मांगेश खून 1997, डायन 1997, अपना कौन 1996, पुलिस लॉकअप 1995, बेवफा सनम 1995, आजमाइश 1995, अब तो जाने दो 1995, दीवाना सनम 1994, भाग्यवान 1994, वादे इरादे 1994, आग और चिंगारी 1994, परदेसी 1993। द जी हॉरर शो में इन्होंने कई सारे एपिसोडों में काम किया है। शोला और तूफान 1993, बागी सुल्ताना 1993, उमर 55 की दिल बचपन का 1992, दिल वाले कभी नहारे 1992, तिलक 1992, इंसान बना शैतान 1992, मैं हूँ शेरनी 1992, रूहानी ताकत 1991, नामचीन 1991, सपनों का मंदिर 1991, धर्म संकट 1991, प्रेम ने बंधन 1991, आखिरी चीख 1991, हत्यारनी 1991, मजबूर लड़की 1991, अंधेर गर्द 1990, दिन दहाड़े 1990, खतरनाक 1990, शैतानी इलाका 1990, ये रामसे की थी, औलाद की खातिर 1990, जायदाद 1989, आशा ओ भानो बांछी ये बंगाली फिल्म थी, आखिरी गुलाम 1989, खूनी मुर्दा 1989, आग के शोले 1988, दिलरुबा टांगे वाली 1987।
उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। श्री प्रदाय की मृत्यु 5 मई 1921 को हुई। दोस्तों, कोरोना की वजह से